भारत देश का वह बेहद दिन 22 जनवरी जहां पर अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ मस्जिद का निर्माण की स्वीकृति मिल गई है और राम मंदिर लगभग तैयार है। 22 जनवरी को उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा, भव्य तरीके से उसको सजाया गया है पूरी अयोध्या नगरी को। बात करें वहां पे बनने वाली बाबरी मस्जिद की, तो मस्जिद को भी बहुत अच्छा लुक दिया गया। अरब कंट्री से उनकी जो है कारीगरी वो आई है, नक्काशी आई है। वहीं पर ताजमहल को टक्कर देने वाली मस्जिद बनने वाली है। लेकिन इससे पहले 22 जनवरी को जो भव्य उद्घाटन होगा राम मंदिर का, उसके बारे में समुदाय विशेष क्या मानता है, क्या सोचता है, उनकी राय जानते हैं, उनके बारे में पूछते हैं सारा। और सबसे बड़ी बात, हम खड़े हैं कि समुदाय विशेष भावरे क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर हजारों की तादाद में भावरे या यूँ कहें जाति विशेष से समुदाय विशेष के लोग रहते हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या उनके दिलों में। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा कि अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है, आपकी मस्जिद जो है उसका भी निर्माण की स्वीकृति मिल गई सुप्रीम कोर्ट में, तो 22 जनवरी को उद्घाटन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन कर रहे हैं, क्या आपके दिलों में क्या भाव होने के? भाव क्या रहेगा, ये तो पब्लिक की आस्था है। अब राम मंदिर बन गई है तो अच्छा है, जो हिंदू भाई है उसमें जाके अपना आस्था वो करे, समर्पण करे। और बाद में मस्जिद भी बनी रही है, बाबरी मस्जिद वो बनेगी तो मुस्लिम भाई भी वहाँ जा कर के अपना श्रद्धा पेश करेंगे। लेकिन भविष्य में जो है, मेरा ये विनती है कि भविष्य में जो है जो चीज़ जहाँ है पुरानी चीज़ वही होना चाहिए, उसको छेड़छाड़ न होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को निपटाते हुए फैसला दिया है कि राम मंदिर बनेगा, उसके बाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू किया जाएगा, इसका फैसले को किस प्रकार सम्मान देखते हैं? बढ़िया है, ये जो हुआ है बढ़िया है। वर्षों से, कई सैकड़ों वर्षों से लगातार ये मांग चल रही थी, विवाद चल रहा था, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की जा रही थी, लेकिन आज वो समाप्त हो गई है। राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और बन भी गया है, 22 जनवरी को उद्घाटन भी है, वहीं पे मस्जिद के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है, तो जो सैकड़ों वर्षों पुराना विवाद था वो खत्म हो गया, किस प्रकार देखते हैं इसको आप? देखिए, मंदिर छोटी हो चाहे बड़ी हो, मंदिर मंदिर होती है, मस्जिद छोटी हो चाहे बड़ी हो, मस्जिद मस्जिद होता। अब सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे हिंदुस्तान की जो है न्यायपालिका उच्च लास्ट स्तर है, उसका जो भी आदेश हुआ, जो भी यहाँ रहते हैं सभी को पालन करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जो आदेश दिया वो सब स्वीकार किए और भविष्य में भी करते रहेंगे। बहुत शानदार बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका हम तहे दिल से सम्मान करते हैं। हर आदमी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायपालिका वही है। न्यायपालिका में अगर बात करें कोर्ट की, तो सर्वोच्च कोर्ट वही होता है, चोर भी लोग मौजूद है। किस प्रकार देखते हैं आप बाबू भाई, जहाँ तक मुझे नाम पता लगा आपका कि बाबू भाई आपका नाम है, तो बाबू भाई किस प्रकार देखते हैं आप पूरे मामले को, क्योंकि सैकड़ों वर्षों पुराना विवाद था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दोनों चीज़ें बन रही हैं? नहीं, वैसे तो खैर क्या है कि ये जो विवाद की जो सीमा थी ये ख़त्म हो गई और मंदिर बन गया, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने जो है मस्जिद का ऑर्डर कर दिया, ये बढ़िया बात है। बाकी इनमें हम लड़ाई तो करते हैं मंदिर की मस्जिद की, बाकी इन पर जाने वाला कोई नहीं है, तो जिस तरीके से हम लड़ाई करें तो इनमें जाने वाले बने, नहीं तो इमारतें बन जाती है और वो खंडर की तरह पड़ी रहती है, तो क्या मतलब है भाई, जो चीज़ बन रही उसको यूज ले, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार बात कही है कि जो लड़ते हैं वो मंदिर मस्जिद नहीं जाते और जो जाते हैं वो कभी लड़ते नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी बात, शानदार बात कही है वह भाई ने। सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो विशेष समाज विशेष है, इनके जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लगातार ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको देख के रोम रोम खड़ा होता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से, कई वर्षों से एक धरना चला हुआ था कि कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान की लड़ाई चली हुई थी, वो आज समाप्त हो गई। ये जो शख्स हमारे साथ बात कर रहे हैं वो लगातार इस फैसले का सम्मान कर रहे हैं, अयोध्या में जो बनने वाले या उद्घाटन होने वाले राम मंदिर का भी सम्मान कर रहे हैं, तो वहीं पर मस्जिद का भी इन्होंने तहे दिल से सम्मान किया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान किया है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद, सर किस प्रकार देखते हैं पूरे मामले को, क्योंकि जो सवाल इनसे किया वही आपसे है कि जैसे बोला बाबू भाई ने, ये भाई ने बोला, आप क्या जानते हैं कि राम मंदिर बन रहा है? बढ़िया बन रहा, अच्छा है, मंदिर मस्जिद एक ही बात है, तो मंदिर पहले पुराना बता रहा, पुराना बन गया वो तो बढ़िया, अच्छा बात है, मोदी जी ने देख और अच्छा है, बिल्कुल शानदार, अच्छी बात है। सर आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, क्या मानते हैं? मंदिर या मस्जिद हो सब एक ही बात है, और आपस में मिल गए, ये झगड़ा सलट गया वो बढ़िया बात है। इसमें किसी तरह का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए,
अब मंदिर बने चाहे मस्जिद बने, दोनों ही भगवान का है, हमको उसको अच्छे तरीके से देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किस प्रकार सम्मान करते हैं? सम्मान ये कि इतने सालों से जो चलता आ रहा है उसका कहीं तो विवाद ख़त्म करना ही था, तो विवाद ख़त्म हो, हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा बना रहे, मैं तो ये कहना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात कही है ना कि हिंदू और मुसलमान का जो भाईचारा है वो लगातार बना रहे, ऐसे ही बना रहे, मंदिर हो मस्जिद हो दोनों जगह ही भगवान पूजे जाते हैं। कहीं ना कहीं जो मुसलमान वर्ग है वो बहुत उत्साहित है राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर जो यहाँ पे उद्घाटन हो रहा 22 जनवरी को अयोध्या में, उसको लेकर बहुत उत्साहित हैं, चेहरे खिले हुए हैं। कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने दिखाया, साफ जाहिर की अपनी इच्छा, जाहिर की साफ कहा कि दोनों धर्म जो के लोग हैं आपस में मिलकर भाईचारे में रहें। सबसे बड़ी बात एक सामने ये भी है कि जो धर्म के नाम पर या भगवान के नाम पर लड़ते हैं वो कभी मंदिर नहीं जाते, जो मंदिर जाते हैं वो कभी लड़ते नहीं, तो ऐसे में ये साफ हो गया है कि जो मुसलमान समाज है वो बहुत ही उत्सुक है, उत्साहित है राम मंदिर निर्माण को लेकर। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, दादागिरी मीडिया, जयपुर।